हेलो फ्रेंड्स, दिवाली स्टेयर्स गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो मेथी के ऊपर होने जा रहा है। ये देखिए, गार्डन में आप 24x9 के ग्रो बैग में अपने गार्डन में अच्छी तरह से आप मेथी को ग्रो कर सकते हैं। करीब 20 दिन पहले मैंने इस मेथी को लगाया था। इसको मैंने 24 आवर के लिए पानी में रख दिया था और उसके बाद में मैंने इसको एक कॉटन के कपड़े में इसको बांध दिया था और बांधने के बाद में उसको 48 आवर के लिए छोड़ दिया था। वो जब अंकुरने लगा तो इसको मैंने लगाया और विद इन 4 डेज ये जर्मिनेट हो गया और ये अभी 20 दिन में देखिए कितने अच्छे तरह से ये मेथी ग्रो हो गया। तो मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, क्या क्या फायदे हैं हम वो भी बताएंगे। आज मैं मेथी के सीड्स लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए, अंदर से ये ग्रो होने लगे हैं। मेथी को 24 आवर के लिए पानी में डाल दीजिए और पानी में डालने के बाद में उस मेथी को आप किसी कपड़े में बांध करके और 2 से 3 दिन तक आप रखिए। मेथी अंकुरने के बाद में इस मेथी को अब हमने लगाना है। मेथी लगाने के लिए आप ले सकते हैं 24x9 का ग्रो बैग। इसमें मेथी आपका बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट होगा। मेथी को इसके अंदर फैला देंगे चारों तरफ से। इस तरह से मेथी को फैला देना है। अभी इतना बचा हुआ सीड्स है वो हम इस ग्रो बैग में लगाने जा रहे हैं। मेथी फैलाने पर आप इसके ऊपर हल्की आधी इंच मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं। मैं इसमें 1 साल पुराना सड़ा हुआ गाय के गोबर का खाद जो है इसको डालूंगा और इसी से कवर कर दूंगा। फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और हमारे सीड्स भी इसी से कवर हो जाएंगे। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा क्योंकि पीछे 2-3 दिन से बरसात हुआ है, तो इसलिए अभी पानी नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। अगर आपकी मिट्टी सूखी हो तो इसमें हल्का ऊपर से पानी स्प्रे करके आप डाल सकते हैं। इसमें भी हम मेथी लगाएंगे। मेथी लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से आप गुड़ाई कर दीजिए। अब इसमें ठीक इसी तरह से जैसे हमने इसमें सीड्स लगाए थे तो वैसे इसमें भी सीड्स लगाएंगे। वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने दिखाया कि कैसे मेथी को ग्रो करना है, तो उसी तरह से आप मेथी को ग्रो करिए। देखिए कितने अच्छी तरह से मेथी ग्रो हो गए। हर तरह के वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह मेडिसिनल प्लांट लगाता हूँ तो जिसके औषधीय फायदे हैं तो साथ में मैं वो भी बताता हूँ। हमें जानना चाहिए कि हम खा रहे हैं जिस चीज को उसके फायदे क्या है। दोस्तों, हरी मेथी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल रहता है। यह शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मेथी के पत्तों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सही रखता है और कब्ज जैसी दिक्कतों से बचाव करता है। हाई ब्लड प्रेशर में भी मेथी बहुत फायदे पहुंचाता है। ग्लैक्टोमेनन और पोटेशियम की मौजूदगी ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। वजन कम करने में भी मेथी मदद करता है। अपच, कब्ज और पेट में अल्सर और आंतों में सूजन की दिक्कत में भी मेथी के पत्तों का सेवन करने से फायदा मिलता है। मेथी के सेवन से शरीर में इन्फ्लेमेशन के स्तर में कमी आती है जिससे खांसी,
ब्रोंकाइटिस, एक्जिमा जैसे रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। मेथी के पत्तों का सेवन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन बढ़ाता है और मेथी खाने से ब्रेस्ट मिल्क के उत्पादन में मदद मिलता है। मेथी के पत्तों का एक चम्मच रोजाना पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। देखा दोस्तों, मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। टेरेस गार्डन में मेथी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको ज्यादा मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए जब आप मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी में आप थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर लीजिए, गोबर का सड़ा हुआ खाद है उसको मिला लीजिए और वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और उसमें थोड़ा सा नीम की खली का उपयोग करके मिट्टी तैयार करके और लगाइए तो बहुत अच्छी तरह से आपके गार्डन में ग्रो कर जाएगा। अब हम इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। मेथी नीचे से जड़ से उखाड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप कैंची लेकर के और इसको कट कर लीजिए जितना आपको आवश्यकता है। देखिए, इतना मेथी मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अब इतना छोड़ दिया। इसके अंदर से नए ब्रांचेस निकलेंगे और फिर ये हार्वेस्ट होता रहेगा। अपने गार्डन में मेथी उगाई, मेथी को हम पराठे में भी इस्तेमाल करते हैं, मेथी की साग भी बनाई जाती है और मेथी की सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत तरीकों से मेथी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप मेथी को यूज करिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड अक्सर वीडियो लाता रहता हूँ, जैसे कि वेजिटेबल प्लांट, फ्रूट प्लांट, मेडिसिनल प्लांट और फर्टिलाइजर से संबंधित। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, कोई कमेंट है तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।